Hello students, in our last video we discussed about drug tolerance and in this video we are going to discuss about drug addiction. So naam se hi indicate hai, drug addiction means kisi bhi drug se koi bhi person jab addict ho jata hai to usko hum drug addiction kehte hain. So what is the definition of drug addiction? Drug addiction is a condition in which any person believe that sense of well-being is achieved only through drug taken. किसी भी person को ये feeling आना, ये sense of well-being उसको लगना कि जब वो drug ले लेगा, drug administer कर लेगा, उसके बाद में ही उसको अच्छा लगेगा या उसके बाद में ही वो ठीक हो सकता है. तो ये एक psychological mindset जब उसका हो गया है किसी एक चीज के लिए, किसी particular drug के लिए, तो उस condition को हम कहते हैं drug addiction. Drug addiction was earlier known as psychological dependence. What are the causes of drug addiction? So causes are biological, individual biology, family factors and the social environment. And what are the symptoms of the drug addiction? Isolated means वो सबसे दूर दूर रहेगा, negative activities वो करेगा, attention, drop in attention. So किसी भी चीज को, किसी भी एक्टिविटी के लिए वो इतनी अटेंशन के साथ में नहीं करेगा. परफॉर्मेंस का डिक्रीज हो जाना, लॉस ऑफ कंट्रोल एंड अटेम्प्ट टू गेट मोर ड्रग और दी मनी. सो ये दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. अगर कोई भी पर्सन में ये सिम्टम्स दिखते हैं तो इट मे बी द सिम्टम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. Now what are the treatments or prevention of drug addiction? Find out cause कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं. तो find out cause with the help of medicines it can be overcome or rehabilitation. So these are the treatment or prevention of drug addiction. Now in next slide we are going to discuss about tachyphylaxis. So as I told you that in last video we discussed about drug tolerance. Drug tolerance kya tha ki जब भी हम किसी ड्रग को लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ले रहे हैं और एक सर्टेन स्टेज पे आके हमारी बॉडी उस ड्रग के लिए टॉलरेट हो गई है, टॉलरेंस उसने कॉज कर दी है. इसका मतलब कि जब हम पहले उस ड्रग को 500 mg पे ले रहे थे और वो अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर रहा था ड्रग, अब इतना रिपीटेड डोज लेने के बाद में फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अब वही ड्रग, वही सेम फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें हायर डोज पे शो होगा बॉडी में. सो इट वॉज नोन एज ड्रग टॉलरेंस. यहाँ पे बात ध्यान देने की बात ये है कि ड्रग टॉलरेंस और टैकीफाइलेक्सिस ऑलमोस्ट सेम है. मेजर डिफरेंस इन दोनों में क्या हो जाता है कि टॉलरेंस हमारी, इन केस ऑफ ड्रग टॉलरेंस हमारी बॉडी जब हमने लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए उस ड्रग को लिया था तब हमारी बॉडी उस ड्रग के लिए टॉलरेट हुई थी. बट इन केस ऑफ टैकीफाइलेक्सिस हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए विद इन शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में उस ड्रग के लिए एडिक्ट हो जाती है. तो उस चीज़ को हम कहते हैं टैकीफाइलेक्सिस. सो टैकी मीन्स फास्ट एंड फाइलेक्सिस मीन्स प्रोटेक्शन. सो फास्ट प्रोटेक्शन ये कर देती है किसी भी चीज़, किसी भी ड्रग के लिए. वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ टैकीफाइलेक्सिस? रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस. जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि ड्रग टॉलरेंस में रैपिड डेवलपमेंट नहीं हुआ था, मींस बहुत जल्दी हमारी बॉडी उस ड्रग के लिए टॉलरेट नहीं होती, काफ़ी टाइम उसने लिया था अपना बॉडी को टॉलरेट करने के लिए उस ड्रग के लिए. बट इन केस ऑफ टैकीफाइलेक्सिस वो विद इन शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ही ड्रग एडिक्ट हो जाती है, या हम ये कहें कि ड्रग टॉलरेट हो जाती है, सॉरी बॉडी टॉलरेट हो जाती है उस ड्रग के लिए. सो इट इज़ द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस वैन सेम drug is administered repeatedly in short intervals. Short interval में ही उस drug का addiction हो जाना या dependence हो जाना उस drug पे, so उसको tachyphylaxis कहते हैं. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, acute tolerance भी कहते हैं. acute means shorter interval में intolerance कर देना. examples of tachyphylaxis is ephedrine, amphetamine और tyramine. सो दीज आर द ड्रग्स जिनको हम शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे अगर ले लेते हैं तब भी वो टैकीफाइलेक्सिस कॉज कर सकते हैं.
Next point is it cannot be overcome immediately by increasing the dose of the drug. So जैसे कि drug dependence में हमने पढ़ा था कि अगर हम drug के dose को increase कर दें तो हमें पहला वाला pharmacological response मिल सकता है अगर हम drug की dose को increase कर देते हैं तो. But in case of tachyphylaxis ऐसा नहीं होता है कि अगर हम body क्या हो गई, body dependence हो गई है उस dose के लिए. But अगर हम dose को increase कर दें तो भी हमें वो रिस्पॉन्स इन केस ऑफ टैकीफाइलेक्सिस नहीं मिलेगा जो कि हमें पहले मिल रहा था रिस्पॉन्स. सो इट इज टैकीफाइलेक्सिस. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस. So what is idiosyncratic reactions? Idiosyncratic reactions means non-immunological hypersensitivity to a substance that may be drug in specific individual without connection to pharmacological toxicity. What does that mean? Idiosyncratic reactions हम ऐसे reactions को कहते हैं या idiosyncratic condition हम उस condition को कहते हैं. Suppose 50 volunteers को या 50 healthy person को आपने कोई भी drug दी, testing आप कर रहे हैं या clinical trial हो रहे हैं और उन 50 individual पे आपने ये observe किया कि 2-4% लोग उसमें से ऐसे थे जिनको अलग ही तरीके के side effect शो हुए जो कि और सब में नहीं शो हुए थे, तो उनकी बॉडी उस ड्रग के लिए अलग रिस्पॉन्स उसने शो किया. इसी चीज को हम, ऐसे ही रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस कहते हैं. सो नॉन इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिविटी उस ड्रग ने शो करी बॉडी के रेस्पेक्ट में. हाइपर सेंसिटिविटी टू अ सब्सटेंस इन स्पेसिफिक इंडिविजुअल, सब में ऐसा नहीं हुआ, कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल में ही हमें ये देखने को मिला. विदाउट कनेक्शन टू फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी से इसका कुछ कनेक्शन नहीं था, अलग ही वो रिएक्शंस या अलग ही वो इफेक्ट देखने को मिला इन सम स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स. सो फर्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल एबनॉर्मल ड्रग बिहेवियर. ड्रग का बिहेवियर हर इंडिविजुअल में एबनॉर्मल देखने को मिलेगा, दैट इज इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन. एंड नेक्स्ट इज यूजुअली कंजेनिटल बट कैन बी एक्वायर्ड, मीन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ की उसकी बॉडी ही ऐसी है कि उसने उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए ऐसा रिस्पॉन्स शो किया, सो बाय बर्थ भी ऐसा हो सकता है. बट इन सम केसेस इट कैन बी एक्वायर्ड कि बाद में ये चीज उसकी बॉडी में डेवलप हुई. सो इस चीज को हम कहते हैं या इस कंडीशन को हम कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन. सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. थैंक यू.